कि इसके अंदर जो मैं आज आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा ना, वो हड हराम बंदे का काम ही नहीं है। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर ट्रिक और टिप देने के लिए जा रहा हूँ ना, यकीन करें कि अगर कोई मुझे 10 लाख रुपया भी देता ना, तो मैं उसको ये ट्रिक ना देता, ठीक है। लेकिन आप तो मेरे भाई हैं ना, आप तो मेरी जान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सुना होगा, यूट्यूबिंग के बारे में सुना होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस देखे होंगे जिसके अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि आप ऐसे भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मैं हमेशा एक ऐसे काम के ऊपर रिलाई करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता हूँ, एक जिसके अंदर आप लोगों को लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, दूसरा 100% वो काम रियल हो, और तीसरा जो मेरे जहन में हमेशा क्लिक करती है ना बात, वो यही बात करती है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ वो काम शेयर करूं कि जो मुझे भी आता हो, मैं ख़ुद भी पैसा कमा रहा हूं, और तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ है कि हमेशा अपने लिए वही चीज़ पसंद, जो अपने लिए चीज़ पसंद करते हो, अपने मुसलमान बहन भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और डिफरेंट से मुराद ये है कि इसके अंदर जो मैं आज आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा ना, वो हड हराम बंदे का काम ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई ये सोचता है ना कि भाई मैंने बस क्लिक करने और पैसे घेरने हैं, या मैंने कॉपी पेस्ट करने और पैसे घेरने हैं, तो भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हड हराम बंदे का ये वीडियो देखने का तुक ही नहीं बनता, प्लीज़ वो स्किप करके चला जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो हल्की सी मेहनत करना जानते हैं ना, स्पेशली फीमेल्स और मेल भी, ठीक है, जो हल्की सी मेहनत करना जानते हैं ना, आज उनके साथ मैं एक ऐसा आइडिया शेयर करूंगा, एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा, यकीन करें कि लाइफ टाइम बैठ के आप लोग खा सकते हैं, और दिन में आप लोगों ने 1 से 2, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा आप लोगों ने काम करना होगा, ठीक है। लेकिन जो काम करना होगा वो दिल लगा के करना होगा, सही है। चले मैं ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि लोग कैसे काम करते हैं उसके ऊपर, और कितना उसके ऊपर बेनिफिट होता है, कितनी वहाँ से अर्निंग होती है, देन मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस समझाऊँगा, और फिर उसके अंदर आप लोगों को तेज़ी लाने का भी तरीके और छोटी मोटी टिप्स जो हैं वो लाजमी से बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ओके। तो ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आते हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आके मैं आप लोगों को एक चैनल दिखाता हूँ, सच ये है, ठीक है, इसको ज़रा आप लोग सर्च करें। इसकी ये पहली वीडियो देख रहे हैं ये, जो अभी इसने 4 दिन पहले ही ये अपलोड की है, ठीक है, और बाकी भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसको ज़रा हम प्ले करते हैं जी। तो ये वीडियो ओपन हुई, हमने सिंपली क्या करना है, इसका टाइटल मैं कर रहा हूँ कॉपी आप लोगों के सामने, ठीक है, ये मैं टाइटल कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और ऊपर आ रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ कंट्रोल वी, और अब ज़रा मैं इसको चेक करता हूँ। तो अभी आप लोगों ने एक मज़े की चीज़ देखनी है, ये जो सबसे ऊपर है ये वही वीडियो जो हमने अभी प्ले की है, इससे नीचे जो दूसरे नंबर वाली ये देख रहे हैं आप लोग, ये वो वीडियो है जो इसका जिसने पहले बनाई थी 1 मंथ अगो, 4 डेज अगो। थंबनेल भी सेम कॉपी पेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये है इंग्लिश में और ये है उर्दू में। अब ये काम करता क्या है, अब सिंपली आप लोग इसकी वीडियो सुने ना, यकीन करें ये जो उर्दू में है, खो जाता है बंदा, ठीक है, खो जाता है, यकीन करें। लेकिन क्या है, कॉन्टेंट कॉपी पेस्ट है, वीडियो बनाने का मसला नहीं है, टॉपिक आ जाता है, कंटेंट निकालने का मसला नहीं है, वो भी आ जाता है, मसला सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के अंदर आता है, वो आ जाता है आप लोगों के वॉइस ओवर में, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को मौत पड़ जाएगी ये बात सुन के कि हाय 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 मैं वॉइस ओवर कैसे करूं, मौत पड़ जाएगी। लेकिन जिनको मौत नहीं पड़ी, अब वो ज़रा मेरी आगे बात सुने कि हमने काम करना कैसे है। इसकी मज़ीद भी 1-2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये इसके मैं चैनल के ऊपर आया हूँ, ठीक है, वाई 80% न्यूजीलैंड इज़ एम्प्टी, ठीक है। इसको ज़रा हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखें जी, ये वो है, 3.2 मिलियन व्यूज़ ले गई है, सच ये है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ऊपर देखें वही इंग्लिश चैनल है, नीचे आए ये एक हिंदी वाला चैनल है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कंटेंट मिल जाता है आप लोगों को। अब निकालना कैसे है वो मैं ज़रा आसान तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ, और फिर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम पहले वाली वीडियो देख लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम ये वाली वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम ज़रा क्लिक करते हैं जी। तो अब मैंने सिंपली इंग्लिश कॉन्टेंट वाली वीडियो को ओपन किया, ठीक है, यहाँ पर ये 3 डॉट आप लोगों को यहाँ पर इस जगह पर नज़र आते हैं, ठीक है, ये इस जगह पर डाउनलोड के साथ ही, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, शो ट्रांसक्रिप्ट में मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे इसका पूरा जो कंटेंट जो इंग्लिश में था ना वो आप लोगों के सामने यहाँ रिटन में आ जाएगा, ठीक है। चलें अब आप लोगों ने सिंपली ये सारा टाइम आ रहा है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, टॉगल टाइम स्टैम्प, ये टाइम भी गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक, ये एंड तक, ठीक है, आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप लोगों ने कहीं पर भी यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास डॉक्यूमेंट की फाइल इसमें है नोट पैड में, ठीक है, तो मैं इसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सिंपली गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर जाना है और जाके ट्रांसलेट करके यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर इसको बिल्कुल प्योरली नहीं करेगा, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी गलतियाँ भी नज़र आएंगी, तो थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेना है ना, तो इसलिए मैंने कहा था हर आराम लोग ये वीडियो ना देखें, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है और ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और उसके बाद इस जगह पे गूगल पे, और यहाँ पे आके आपने लिखना है इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू यहाँ पे ये लिखना है, और यहाँ पे इंग्लिश का टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेस्ट किया और यहाँ पे ये देखें हमें उर्दू भी मिल गया, ठीक है। इसका हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम उसी नोटपैड की फाइल में आए और सबसे नीचे जाके नीचे इस जगह पे जाके हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। ऊपर उर्दू, नीचे हमारे ऊपर इंग्लिश, नीचे हमारे पास उर्दू। अब इसको हमने थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके पॉइंट्स अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं, जैसे भी लिख लेने हैं, एक पूरा स्क्रिप्ट आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, जो सबसे बड़ा अजाब लगती है आप लोगों को, वो आ जाता है जी वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जी कैसे करें, मेरे पास तो अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास तो फलां नहीं है, मेरे पास तो ढींग नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसका हल आपका मैं निकाल देता हूँ। मान लिया कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास, मोबाइल तो है ना, मोबाइल के ऊपर वीडियो तो देख रहे हैं ना, तो मोबाइल तो हो गई आप लोगों के पास। इसके अंदर एक ऐप आ जाती है रिकॉर्डर की, ठीक है, हर मोबाइल के अंदर होती है वॉइस रिकॉर्डर की ऐप, ठीक है। तो मैं यहां पे ये ओपन करता हूं। अब यहां पे आप लोगों का सारा स्क्रिप्ट आप लोगों के सामने पड़ा होगा, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को आप लोगों ने देखते जाना है, और यहां पे ये रिकॉर्डर जो है, ठीक है, शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, ठीक है, इसको रिकॉर्ड के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है ना, अब मैं इसको जरा देखता जाता हूँ और यहाँ पे बोलता जाता हूँ। अमेरिका में सबसे बड़ी निजी कंपनी और यह वाहिद कंपनी एक बड़े पैमाने पर कंट्रोल करती है, आपके खाने की फराहमी का हिस्सा है वो, कुछ के लिए खुराक की फराहमी के लिए जिम्मेदार, वहाँ से सबसे बड़े ब्रांड जिस तरह के मैकडोनल्ड का बर्गर वगैरह वगैरह। बस पूरा स्क्रिप्ट आप लोगों ने इसी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँ। पढ़ लिया हम लोगों ने, ओके हो गया जी हमारा वॉइस ओवर, पहले गलतियाँ होंगी, नो प्रॉब्लम, हमने अपनी गलतियाँ ठीक कर लेनी है। वॉइस ओवर हमारा हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सिंपली आप लोगों के पास कोई भी एप्लीकेशन होगी जिसमें आप लोग अपनी वीडियोज़ एडिट करते हैं, लाइक VN हो गया, या आप लोगों के पास काइन मास्टर हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने सिंपली आ जाना है कैनवा के ऊपर। फ्री में मैं आप लोगों को एक सीन बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैनवा पे आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे आके आप लोगों ने वीडियो का ये वाइट बोर्ड है, सॉरी, यहाँ पे ये वीडियो, ठीक है, वीडियो क्रिएट ब्लैंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो वीडियो है वो है कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, इनके बारे में, या किसी ख़ानदान के बारे में, या किसी ब्रांड ओनर के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ये करना है, एलिमेंट्स में आने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा कोका कोला से था, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला था या किसी ब्रांड के बारे में था, उसकी वीडियोज़ में आ जाना है। यहाँ पे ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सारी कॉपीराइट फ्री हैं और फ्री में आप लोगों को मिलेंगी, कोई इसके ऊपर कभी भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। जो लफ्ज़ आप अदा कर रहे हैं उस लफ्ज़ से रिलेटेड भी आप लोग यहाँ टाइप करेंगे, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका के बारे में हम करें, ओ सॉरी यार स्पेलिंग गलत, ICA, ठीक है, अमेरिका, और यहाँ हम वीडियोस में जाते हैं, ये सारी आप लोगों को कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आ जाते हैं पाकिस्तान, ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे सर्च आउट करेंगे उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, और अपना जो टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियोस निकालनी है हमने, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड की है उस ऑडियो का क्या करें, उस ऑडियो को आप लोगों ने सिंपली भाईजान कैनवा के अंदर लेके आना है। मैं तो अभी यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए है तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं सेव करके यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ जी। तो मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस कॉपी करके रख ली आप लोगों को समझाने के लिए, और यहाँ पे आप लोगों ने आना है सिंपली, और यहाँ पे आके आप लोगों ने अपलोड्स पे क्लिक करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है, और उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर 3 में रखी है ये वॉइस 1, और इसको मैं कर देता हूँ ओपन,
ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा वॉइस यहाँ पे आ गया, जो हमारा कंप्लीट वॉइस ओवर था। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लेना है कि भाई हमारा जो वॉइस ओवर है ना वो कितने इसका है, सेकंड का है, ठीक है, 43 सेकंड का है। तो इसकी 5 सेकंड इसकी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐड पेज करते जाएँ, ठीक है, ऐड पेज करते जाएँ, क्योंकि हमने सारों के अंदर फिर हम पेज की लेंथ छोटी बड़ी कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए भाईजान, सीधी सी जो बात है, हमें पता चल जाए कि हमारे पास कितने सेकंड का जो है हमारा वॉइस ओवर है, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे मैंने काफ़ी सारा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना ऑडियो उठाना है और यहाँ पे आके ये इसके नीचे लगा देना। तो ये देखें जी, ये हमारा ऑडियो आ गया यहाँ पे, सिंपल। अच्छा चले, अब हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, बल्कि मेरा ऑडियो में ना गलतियाँ थी, मैंने एंड वाला जो पोर्शन है ना सिर्फ वही रख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला रख लेते हैं। चले लेट्स सपोज, तो मैं ये शुरू में इसको ले आता हूँ और ज़रा इसको सुनते हैं और इसके मुताबिक हम वीडियोज़ डालेंगे। खुराक की फरामी के लिए जिम्मेदार, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं और ये इधर चले, यहां से हम एग्जांपल के तौर पे आपके खाने की फरामी का हिस्सा है वो, ठीक है, खाने की बात हो रही है, यहां पे सिंपली एलिमेंट्स पे आए और यहां पे फूड, ठीक है, फूड लिखें, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो उठा लें, ये हमने ऊपर वीडियोज में गए हैं, ठीक है, तो यहां पर कोई भी वीडियो उठाएं, यहाँ पे ये इसमें लगाएं, ठीक है, तो ये जी आपके फूड से रिलेटेड आ गई, आपके खाने की फरहमी का हिस्सा है वो। ओके, इसका साइज़ कर दें छोटा, ताकि अगला जो होगा पोर्शन वो हम इसके मुताबिक लगाएंगे। के लिए खुराक की फरहमी के लिए जिम्मेदार वहाँ से, ठीक है, आप फूड सप्लाई, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं खुराक की फरहमी, ठीक है, तो सप्लाई SU, ठीक है, तो ये देखें, ये जो फूड सप्लाई कर रहे हैं तो इसको उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ज़रा इसको सुने, यहाँ पे आपके खाने की फरहमी का हिस्सा है वो, कुछ के लिए खुराक की फरहमी के लिए जिम्मेदार वहाँ से सबसे बड़े ब्रांड जिस तरह के मैकडोनल्ड, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, इसको उठाया यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ज़रा हम इसको प्ले करें, आपके खाने की फरहमी का हिस्सा है वो, कुछ के लिए खुराक की फरहमी के लिए जिम्मेदार वहां से सबसे बड़े ब्रांड जिस तरह के मैकडोनल्ड का बर्गर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई कितनी देर लगी है, सिर्फ वॉइस ओवर करने में तकलीफ थी और स्क्रिप्ट बनाने में तकलीफ थी, ठीक है। आइडिया आप लोगों को मिल जाता है, आइडिया आप लोगों को वीडियो से ही मिल जाएगा। अब व्यूज़ लेने के लिए, और वो भी ऑर्गेनिक व्यूज़ लेने के लिए, अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर ट्रिक और टिप देने के लिए जा रहा हूँ ना, यकीन करें कि अगर कोई मुझे 10 लाख रुपये भी देता ना तो मैं उसको ये ट्रिक ना देता, ठीक है। लेकिन आप तो मेरे भाई हैं ना, आप तो मेरी जान है, तो आए आप लोगों को प्रूफ के साथ वो मैं ट्रिक दिखाता हूँ कि हमने इसके ऊपर वो चलानी कैसे है। यहाँ पे हम आते हैं एक चैनल के ऊपर, ठीक है, कल परसों ही हमने ये 3-4 दिन हुए ये चैनल बनाया है, मेरी जो मैनेजर हैं बुरशा, उसको मैंने आइडिया दिया और उसने इसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। अब इसके ऊपर देखें, आप लोगों ने एक चीज़ चेक करनी है, ठीक है, इसकी पहले हम वीडियोज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आएँ तो कितनी वीडियोज़ हैं, ये इमरान खान वाली को छोड़ दें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अभी ये 8वीं जो है ये अभी अपलोड की है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सिंगापुर को देख लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोग आते हैं तो इसके हम जाते हैं एनालिटिक्स में, भाई फ्रेश चैनल है, फ्रेश चैनल की बात कर रहा हूँ, टॉप से कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, सर्च से, ठीक है, फ्रेश चैनल की बात कर रहा हूँ। पीछे जाएँ ज़रा, थोड़ा और पीछे जाते हैं आप लोगों को, ताकि एग्जाम्पल्स के साथ साथ में लेके चलूँ। तो दूसरे ही हम वीडियो निकाल लेते हैं, एक सिंगापुर हो गई यहाँ पे, उसके बाद चलें ये हक्कानी नेटवर्क कैसे बना, ठीक है, ये हो गई, इसके हम एनालिटिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, और एनालिटिक्स में आके ये चेक करें, टॉप क्या आ रहा है, सर्च आ रहा है यहाँ पे। अब हमें पता है कि भाईजान हमारी एक ना एक वीडियो यहाँ से सर्च से भी निकलेगी और सजेस्ट वीडियो से भी निकलेगी। यहाँ पर ये एक जो साइफर रिलेटेड बातें थी, तो यहाँ पर हम एनालिटिक्स में आते हैं साइफर वाले की, तो ये देखें ये वीडियो हमारी सजेस्ट वीडियो से निकलने वाली है इंशाल्लाह, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश चैनल की बात कर रहा हूँ, किसी को हमने लिंक नहीं भेजा, किसी को हमने ये नहीं कहा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ करें, बिल्कुल फ्रेश चैनल पे। अब वो ट्रिक समझें कि वो ट्रिक वर्कआउट कैसे करेगी। यहाँ पर हम आते हैं ये सिंगापुर वाली के ऊपर, इसकी ज़रा आप लोग डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भाई जान 5000 करेक्टर्स की जगह होती है, ठीक है, और मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, ये जो इस चैनल का जो मेन थीम है उससे रिलेटेड मैंने कोई 200-250 कीवर्ड्स निकाल लिए।
अब हमने कीवर्ड्स कैसे निकाले, कीवर्ड्स निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे अब मेरा ये था तो मैंने यहाँ पे आके लिखा हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ ए, प्रेस किया, ये सारे जितने कीवर्ड हैं मैंने उठा के उधर डाल दिए, ख़त्म किया, बी प्रेस किया, ये सारे मैंने उठा के उधर डाल दिए, सी, एंड पे जाते जाते मैं जी तक चला गया, और ये सारे जितने भी कीवर्ड आते हैं ये सारे मैंने उठा के उसमें डाल दिए, क्योंकि हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड था, ठीक है, या न्यूज़ वगैरह से। अब सेम काम आप लोगों ने करना है कि अपने चैनल से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड दुनिया जहान का कीवर्ड उठा के आप लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे शफीक भाई आपका तो दिमाग ख़राब हो गया, हम तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे तो वो तो सीधा मिसलीडिंग मेटा डाटा आ जाएगा और हमारा चैनल रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग, अब थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल करना है। हमारे व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, इंशाल्लाह स्पीड में आप लोगों के व्यूज़ आएंगे, लेकिन उसके बाद जब आपने जो अगली नेक्स्ट काम करना है ना, अब व्यूज़ क्यों आएंगे, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि व्यूज़ क्यों आएंगे। यूट्यूब ने 2023 में अपना एक ट्रैफिक सोर्स चेंज किया है जिसको उसने नाम दिया है यूट्यूब रिकमेंडेशन का, ठीक है। तो आप लोगों की वीडियोस के अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई बंदा वीडियो देख रहा होगा तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस को रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यूज़ हमारे जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस काम से मैंने बहुत सारे चैनल जो हैं वो वायरल किए हैं। तो अब ये आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों को पता चल जाए कि यार अब मेरे नोटिफिकेशन से अच्छे व्यूज़ आने लग गए हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चैनल मोनेटाइज करने में। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं कोई बात नहीं, वॉच टाइम ओवर हो जाता है कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, तब तक मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं करनी जब तक आपके नोटिफिकेशन के ऊपर अच्छे व्यूज़ आने ना लग जाएं, ठीक है। अच्छे व्यूज़ आने लग गए देन पूरी डिस्क्रिप्शन हर वीडियो की आप लोगों ने जाने कंट्रोल ए करना है, बैकस्पेस करना है, ख़त्म कर देनी है। पहले अपने पूरे चैनल की आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन है ना उसकी सफाई करनी है, जब आप सफाई कर लेंगे देन उसके बाद आप लोगों ने मोनेटाइजेशन अप्लाई करनी है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि किसी की ज़रूरत है तो चैनल को रिजेक्ट करके दिखाए। और इसके ऊपर जो व्यूज़ हैं, अब मैं आप लोगों को एक और ज़रा स्पेशल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन मेरा जो बोर हो रहे हैं वो जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये बहुत प्रीमियम आइडिया दे रहा हूँ, जिनको दे रहा हूँ वो इसकी कदर जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आएँ, हकीकत TV हम सर्च करते हैं, ठीक है। हकीकत TV के अंदर एक शुगल देखना है आप लोगों ने। यहाँ पर आने के बाद ये हकीकत TV को ओपन करते हैं, तो इसकी हम जाते हैं वीडियोज़ में, सॉरी यहाँ पर वीडियोज़ में इसके जाते हैं, और यहाँ पे जाके हम ओल्डेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, सबसे पुरानी, सेम यही चीज़ लेके चला था वो। और आज हकीकत TV एक नाम है, एक ब्रांड है, हैदर TV का आप लोगों को पता है, सेम यही चीज़ लेके चला था हैदर TV, और आज उसका एक लेवल है। और अब ये जो माशाल्लाह से एक नया ग्रोइंग यूट्यूबर हमारा आ रहा है, सच ये है, ये भी इंशाल्लाह एक दिन हैदर TV की तरह एक ब्रांड ही बनेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ब्रांड बने। तो होप सो जिन लोगों ने ये कंप्लीट वीडियो देखी होगी उनका जहन भी खुल चुका होगा, उनको आइडिया भी आ चुका होगा, और वो पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाएंगे इंशाल्लाह अगर वो इस आइडिया के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।